तो गाइस अगर आप लोगों को हॉलीवुड की कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने ऐसी मूवीज को कवर किया जो हाल ही में हिंदी में डब की गई हैं और आप लोग इन मूवीज में से कुछ मूवीज को यूट्यूब पर देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट। डेंजन्स एंड ड्रैगन, ये मूवी साल 2023 में रिलीज हो चुकी फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एडमिन नाम के बंदे की, जिसकी बेटी को एक खतरनाक जादूगरनी बंदी बना लेती है। और तभी एडमिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक टीम बनाता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो क्या एडमिन अपनी बेटी को छुड़ा पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मैजिकल मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियो पर ट्राई कर सकते हो। नंबर 2, स्लंबरलैंड, ये मूवी साल 2022 में रिलीज हो चुकी कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो की अपने पिता के साथ एक आईलैंड पर रहती है, लेकिन इसके पिता चल बसते हैं, जिसके बाद ये लड़की बिल्कुल ही अकेली हो जाती है। और एक दिन इस लड़की को पता चलता है एक सपनों की दुनिया के बारे में, जहाँ से ये लड़की अपने पिता को फिर से जिंदा कर सकती है। तो ये लड़की निकल पड़ती है अपने पिता को जिंदा करने के एडवेंचर पर। तो इस लड़की के साथ आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कमाल की एक्शन फैंटेसी मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियो पर ट्राई कर सकते हो। नंबर 3, स्नो व्हाइट एंड हंट्समैन, ये मूवी साल 2012 में रिलीज हो चुकी कमाल की एक्शन फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक बुरी जादूगरनी की, जो कि जवान लड़कियों की खूबसूरती चुरा लेती है उनको टपका कर। और एक दिन इस जादूगरनी को पता चलता है कि इसके राज्य में इससे भी खूबसूरत लड़की रहती है। तो ये लड़की उस लड़की को टपकाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजती है, लेकिन उस लड़की की रक्षा एक हंटमैन कर रहा होता है। तो अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन फैंटेसी मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियो पर ट्राई कर सकते हो। नंबर 4, जैक द जायंट स्लेयर, ये मूवी साल 2013 में रिलीज हो चुकी मॉन्स्टर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक बीच की, जिसको पानी में डालने के बाद इस बीच से बहुत ही बड़ा पौधा निकल जाता है। और ये पौधा इतना बड़ा होता है कि दूसरी दुनिया से जाकर जुड़ जाता है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। और वो मॉन्स्टर पौधे की मदद से धरती पर आने लगते हैं और धरती पर आकर अपना आतंक मचाने लगते हैं। तो अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मॉन्स्टर फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5, द एडवेंचर ऑफ टिनटिन, ये मूवी साल 2011 में रिलीज हो चुकी कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक टिनटिन नाम के लड़के की, जिसको पुरानी चीजों को खरीदने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। और एक दिन यह बंदा एक टूटे हुए जहाज को खरीदता है, जिसमें इसको एक खजाने का नक्शा मिलता है। तभी ये बंदा निकल पड़ता है बिना कुछ सोचे समझे उस खजाने को ढूंढने के लिए। लेकिन इस खजाने को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इस खजाने के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए होते हैं। तो ये बंदा आगे क्या कुछ करता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियो पर ट्राई कर सकते हो।